बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो कल या परसों ईद होने वाली है, उसके लिए ईद की तैयारियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि औरतें अपने फेस पे ब्लीच करेंगी या फिर डिफरेंट होम रेमेडीज ट्राई करेंगी जिनसे उनका फेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, उनका फेस काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाए बिल्कुल। और बहुत से लड़की है और लड़के ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि उनके फेस के जो बाल हैं वो गोल्डन भी ना हो, यानी कि ब्राउन भी ना हो, और साथ में उनका जो फेस है वो ब्लीच भी हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं लड़की और लड़कों के लिए एक ऐसी रेमेडी लेके आया हूँ जिसके इस्तेमाल से आपका फेस तो ब्लीच होगा, आपका कलर तो ब्राइट होगा, लेकिन आपके बाल गोल्डन नहीं होंगे, यानी कि ब्राउन नहीं होंगे, आपका फेस का कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। ये रेमेडी एक मंथ में सिर्फ एक दफ़ा ही आप यूज़ कर सकते हो। इसका रेगुलर इस्तेमाल आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फायदे देने के बजाय नुकसान देगा, स्किन को डैमेज कर देगा। अगेन क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूँ, महीने में सिर्फ एक बार। और ये रेमेडी सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी स्किन नॉर्मल है और ऑयली किस्म की है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एक्नी प्रोन है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राई है, उनके लिए ये रेमेडी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करते, हम देख लेते हैं ये रेमेडी कैसे बनेगी और अप्लाई करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, और अप्लाई करने के बाद मैं आप लोगों को इसके रिजल्ट्स भी दिखा देता हूँ। स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल पे आने वाले जो नए व्यूअर्स हैं पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि मैं अपने चैनल पे जब भी कोई नई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज की ये मैजिकल रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो है कोलिन क्ले। कोलिन क्ले का आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये एक चाइना मिट्टी है एक हिसाब की, और ये दुनिया के जो महंगे तरीन वाइटिंग प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये फेस पे ऑयल को बड़ी जल्दी से जज़ब करती है और फेस पे वाइटनिंग जो होता है इफेक्ट बहुत जल्दी प्रोवाइड करती है। देन सेकंड, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ क्लोबीवेट। जानता हूँ क्लोबीवेट बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन महीने में एक दफ़ा अगर आप इसका यूज़ कर लेते हो तो ये नुकसानदेह नहीं है। ठीक है, फेस पे एक दफ़ा महीने में अप्लाई किया जा सकता है, फेस पे इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चम्मच कोलिन क्ले लिया है, उसमें आधे से ज़्यादा चम्मच मैं इसमें, बल्कि एक चम्मच के बराबर इसमें ऐड करूँगा ये क्लोबीवेट। ठीक है, क्लोबीवेट नहीं है तो आप इसको प्रॉपर स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देन इस पर मैं यूज़ कर रहा हूँ एक चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को सूथिंग प्रोवाइड करते हैं, हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा मतलब डार्क स्पॉट्स वगैरह जो होते हैं उनको लाइट करने में मदद करते हैं। और ये है इसमें विटामिन ई का कैप्सूल, आप इसमें ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि कोलिन के लिए आपके ऑयल को जज़ब करके आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई बना देगी। तो जब इसमें आप कोलिन के लिए कह रहा हूँ सॉरी, इसमें एलोवेरा जेल और साथ में विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करोगे और साथ में ग्लिसरीन ऐड करोगे तो आपकी स्किन साथ में इक्वली मॉइस्चराइज भी हो जाएगी। ठीक है, आपको ड्राइनेस फील नहीं होगी। तो ये बना लिया मैंने, ये पेस्ट बन गया, एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बन गया। अब इसको अप्लाई कर लेते हैं हम अपने फेस पे। तो फेस पे अप्लाई करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो मेरा कलर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है, आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से मेरा कलर समझ लो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है। मैं स्किन की कोई भी केयर नहीं कर सका, मेरे स्किन पर डार्क स्पॉट्स बने पड़े हैं और ये माथे पर आप निशान दे सकते हो, ये तो हैर सजदे का जब मतलब जब जाते हैं तब उसका ये निशान है। बाकी ओवरऑल मेरे फेस पे कोई डार्क स्पॉट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ पड़े। तो इस तरह से आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है, पूरे फेस पे स्प्रेड करने के बाद आपने इसको तकरीबन 20 मिनट लगा के रखना है। 20 मिनट से ज़्यादा आपने ये अपने फेस पर अप्लाई नहीं करना। ठीक है, अगर चाहो तो आप महीने में दो दफ़ा भी ये यूज़ कर सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। एक चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल आपको नुकसान देता है, अगर एक चीज़ को आप तरीके से इस्तेमाल करते हो तो उसका इंशाल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो काइंडली वीडियो पूरी देखिए, तो काइंडली आप लोग वीडियो को पूरा देखा करो, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो कि वीडियो में एंड में की जाती है, दरमियान में की जाती है, स्टार्ट में की जाती है, तो आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते बस यूज़ कर लेते हो तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। मैंने वीडियो में तकरीबन कोई 5 से 6 दफ़ा वॉर्न किया है कि इसको कितनी दफ़ा यूज़ करना है। ठीक है, इसका एक्सेसिव यूज़ नहीं करना, स्किन को ख़राब कर देगा। बाकी ये मेरे फेस पर पूरी तरह से अप्लाई हो गया, तो बाकी आप लोग आगे चल के वीडियो में देख लीजिएगा सब कुछ। तो वीडियो को पूरा लाजमी देखना, अगेन कह रहा हूँ। अप्लाई कर लिया, आप लोग देख सकते हो, अब ये जब ड्राई होगा तो मैं इसको उतार दूंगा। ठीक है, ये मेरे फेस पे पूरी तरह से मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एक्नी प्रोन है या फिर स्किन एक्स्ट्रा किस्म की ड्राई है, वो ये फेस पैक अप्लाई नहीं करेंगे। जिनकी स्किन नॉर्मल और ऑयली किस्म की है वो ये यूज़ कर सकते हैं, और 20 मिनट से ज़्यादा ये अपने फेस पर नहीं लगाना। सेकेंड, इसमें जो मैंने क्लोबीवेट यूज़ की है, इसका रेगुलर यूज़ स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। कोशिश करें आप ये क्लोबीवेट स्किप कर दें अगर आपको प्रॉब्लम होती है ऐसे, लेकिन महीने में सिर्फ एक आध दफ़ा ऐसा मास्क यूज़ किया जा सकता है। स्किन के लिए ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा ये काम है आप लोगों के साथ अच्छी रेमेडीज शेयर करना, रेमेडी तो मैंने शेयर कर दी है, लेकिन
वीक में, सॉरी 15 दिन बाद या महीने बाद आप एक दफ़ा ये यूज़ कर सकते हो। उसका रेगुलर इस्तेमाल आपकी स्किन को ब्रीक कर देगा, स्किन को डैमेज कर देगा, स्किन पे और भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको आप रेगुलर इस्तेमाल ना करो, ठीक है। तो जब ये ड्राई होता है धो के आके मैं इसका रिजल्ट आप लोगों को दिखाता हूँ। टिल दैट जी, तो मैंने ये मुंह धो लिया है एंड यू गाइस कैन सी द रिजल्ट्स, काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, कुछ दिनों से, लेकिन ओवरऑल फिर भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से इसने मेरे कलर को ब्राइट कर दिया। मेरा कलर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और शाइनी नज़र आ रहा है। देखो मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, लेकिन ये है कि लेकिन अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ कि महीने में सिर्फ एक बार यूज़ करना है। लड़की लड़का आंटी अंकल बड़ा छोटा हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। ईद पे ट्राई करना आप लोग, ट्राई करो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों को इसके रिजल्ट्स कैसे मिले। अच्छा, अगर आप लोगों को क्लोबिवेट नहीं मिलता तो इसके और अल्टरनेटिव आप क्या यूज़ कर सकते हो? तो आप इसका अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं, आप इसको अच्छे से स्किप कर सकते हो। ये जो कोलिन क्ले है, दुनिया के महंगे तरीन जो मेकअप प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें ये यूज़ किया जाता है। वाइटनिंग के लिए एक ज़बरदस्त अमेजिंग इंग्रेडिएंट है। ये एक चाइना की मिट्टी होती है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान की मुल्तानी मिट्टी है, वैसे ये चाइना की मिट्टी है, लेकिन इसमें वाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, वाइटनिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो अगर इसका आप इस्तेमाल करते हो विदाउट क्लोबोवेट, इस मास्क का क्लोबोवेट को निकाल के ये मास्क अगर आप डेली यूज़ करते हो, डेली नहीं सॉरी वीक में 3 दफ़ा यूज़ करते हो ये मास्क क्लोबोवेट निकाल के, तो आपकी स्किन पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगेन टेलिंग यू, ये जो कोलिन क्ले है दुनिया के महंगे तरीन वाइटिंग प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल सेफ है। हाँ, अगर क्लोबोवेट डाल रहे हो तो फिर मंथ में सिर्फ एक बार, अगर क्लोबोवेट नहीं डाल रहे तो फिर वीक में 3 बार भी ये मास्क यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आप लोगों की स्किन के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।